अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम मेकिंग दही चिकन। सबसे पहले मैं चिकन लेती हूँ, ये मेरा देसी चिकन है। यहाँ पर आप फार्म का भी चिकन ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं दही ऐड कर रही हूँ, ये 50 ग्राम का दही है, इसमें से मैं हाफ ही यूज़ कर रही हूँ। सो ये मेरा दही है। नेक्स्ट मैं रेड चिली पाउडर ले रही हूँ। रेड चिली पाउडर मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि दही है जिसके वजह से तीखा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट मैं टर्मरिक पाउडर, ब्लैक पेपर और क्यूक्यूम्बर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। एंड सॉल्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, सॉल्ट थोड़ा अपने टेस्ट के हिसाब से ही लेना है। नेक्स्ट मैं मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये आप देख सकते हो, ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। नेक्स्ट मैं प्रेशर कुकर में कुक करना है मुझे ये देसी चिकन, क्योंकि ये देसी ये चिकन है इसलिए मुझे प्रेशर कुकर में यूज़ करना है, कुक कर रही हूँ। अगर आपके पास फार्म का चिकन है तो आप नॉर्मल कढ़ाई में भी बना सकते हो। तो इसमें मैं हल्का सा ऑनियन ऐड करूँगी, वन ऑनियन इसमें डालती हूँ मैं। नेक्स्ट मैं एक कढ़ाई ले लेती हूँ और उसमें ऑयल हीट कर लेती हूँ। नेक्स्ट मुझे 2 ऑनियन इसमें ऐड करना है, और इसका कलर मुझे लाइट पिंक कर लेना है और अच्छे से फ्राई कर लेना है पहले तो। नेक्स्ट मुझे जो लाइट पिंक करना है इसका कलर, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी, तो इसमें मुझे ब्लैक कार्डमम, वाइट ग्रीन कार्डमम, क्लोव, वाइट पेपर इसमें मैंने ऐड कर लिया है। इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेना है, मीन्स ऑनियन में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। और यहाँ पर आप पाउडर भी, गरम मसाले का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। और मैं 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करूँगी, और इसे अच्छे से फ्राई करना है मुझे। ये प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। नेक्स्ट मुझे, आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट सब मिक्स हो चुकी है। नेक्स्ट मैं चिकन इसमें ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं चिकन लेती हूँ और उसके बाद मैं उसके वाटर लूँगी। तो ये मेरा चिकन है और ये उसका एक्स्ट्रा वाटर है। इसे अच्छे से कुक कर लेना है और इसे कवर कर देना है, और ये मेरा फाइनल लुक है दही चिकन बनाने का। इजी टू मेक दही चिकन, और ये हार्डली 5 मिनट्स लगेगा आपको बनाने में।